रेलवे विभाग ने रेल किराया कम करके लोगों को सुविधा दी है। रेलवे ने कोरोना काल में किराया बढ़ा दिया था, अब 2 मार्च 2024 से रेलवे ने सभी स्टेशनों पर अपने कंप्यूटर को अपडेट कर रेलवे के किराए में वापस कोरोना काल से पहले का किराया बहाल कर दिया है। इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हम बता रहे हैं कि रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन में न्यूनतम किराया 10 रुपये किया है और एक्सप्रेस व सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए यह किराया न्यूनतम 30 रुपये रहेगा। रेलवे ने आदेश जारी करके सभी स्टेशनों पर कोरोना काल से पहले की व्यवस्था को बहाल कर दिया है। अब पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों को न्यूनतम किराया 10 रुपये देना होगा और एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों में यात्रियों को न्यूनतम किराया 30 रुपये ही देना होगा। कोरोना काल में यह किराया सभी ट्रेनों में न्यूनतम किराया 30 रुपये किया गया था, अब इसे घटाकर वापस न्यूनतम किराया 10 रुपये कर दिया गया है, जो कि पैसेंजर ट्रेनों में यह न्यूनतम किराया 10 रुपये लगेगा। रेलवे ने सभी कंप्यूटरों में इसको करके आदेश जारी करके सभी कंप्यूटरों में इसे अपडेट कर दिया है, जिससे अब टिकटें नए सिस्टम और के हिसाब से ही किराया लिया जाएगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके और सुविधा का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।